मानसून के दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में जिला भर के एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक डीआरडीए सभागार धर्मशाला में आयोजित की गई। इस दौरान डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मानसून के चलते जुलाई और अगस्त माह में अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके मोबाइल 24 घंटे एक्टिव रहें। जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में सैटेलाइट फोन की जरूरत रहती है, ऐसे में उसे भी तैयार रखा जाए जिससे कि मानसून के चलते आगामी 2-3 माह कोई परेशानी ना हो। डीसी कांगड़ा ने कहा कि मानसून के चलते हमारा 100% फोकस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर रहेगा, ऐसे में एसडीएम अपने स्तर पर भी अन्य अधिकारियों से बैठकें करेंगे तथा इन बैठकों में पंचायत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मानसून की दस्तक हो चुकी है, इसी को लेकर एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक की गई है। एसडीएम को सभी अधिकारियों से बैठक करने के लिए निर्देश दिए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जाए जिससे आगामी समय में छोटा मोटा डिजास्टर होता है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें। तूफान की वजह से बार म्यूजियम में पेड़ों के गिरने से काफी नुकसान हुआ है, कई जगह पेड़ गिरे हैं और पोल टूटे हैं। नगर निगम एरिया में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मॉनसून प्रिपेयरनेस को लेकर आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें सभी विभागों के जो अधिकारी थे वो शामिल हुए और इसमें हमारी कोशिश रहेगी क्योंकि मॉनसून की जो दस्तक हो चुकी है और ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार की प्रिपेयरनेस रखनी है और उन तैयारियों को लेकर आज इस बैठक को रखा गया था। और ख़ास करके जो हमारे एसडीएम से उनको डायरेक्शन दी गई हैं कि आप अपने स्तर पर भी इस तरह की बैठकें करें सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। और एक जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं हमारे पंचायत के प्रधान से लेकर जो हमारे ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, उनको भी इन बैठकों में बुलाएँ ताकि आने वाले समय में अगर कहीं इस प्रकार का छोटा मोटा डिजास्टर होता है तो उसको उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। सर, पिछले कल की तूफान और बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, अभी आकलन किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स आ गई है? आकलन इसका किया जा रहा है, खास करके जो वॉर म्यूजियम के आसपास आपने देखा होगा कि कुछ ग्रीन ट्रीज थे उनके गिरने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से कई जगहों पे नुकसान हुआ है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स टूटे हैं, कई जगह पेड़ गिरे हैं। इनफैक्ट कॉरपोरेशन एरिया में ही कई जगह पेड़ गिरे हैं, उनका जो आकलन है वो किया जा रहा है और जो भी उसमें कॉम्पनसेशन हुआ है जारी किया जाएगा। ऐसे जैसे कॉरपोरेशन के एरिया में लगभग 150 ऐसे पेड़ आगे पेड़ हैं, उनमें से कई पेड़ों को काटा गया है और आज भी एक निर्णय लिया गया, डीएफओ साहब को निर्देश दिया गया है कि जो बाकी बचे हुए पेड़ हैं कॉरपोरेशन के माध्यम से जल्द कटवाएं ताकि आने वाले समय में अगर आंधी तूफानी सरकार आता है तो उस तरह का कोई भारी नुकसान ना हो।